सब लोग अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। बज चुके हैं सुबह के 8, हम वैसे उठ गए थे 4:30 बजे। हम अपना वर्कआउट करके आए और थोड़ा सा आगे रेस्ट किया। उसके बाद अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी, फिर बनाऊंगी हरी सब्जी। और ये रूही भी अभी अभी सोते उठ के आई है। रूही को देखो क्या कर दी है। रू हेलो कर दो एक बार। अरे वाह, नीनू में भी रूही तब भी हेलो कर दी। चलिए मिलती मैं आप सभी थोड़ी सी देर में। गाइस देखिए स्विमिंग पूल में सुबह से ही ओए गजब दबा के भीड़ स्टार्ट है। ये हमारा खतरनाक स्विमिंग पूल। और इधर देखिए ये मंदिर में चालू है जागरण कीर्तन टाइप। बेचारे बास्केट कोर्ट में तो कोई भी नहीं आ रखा है, और ये दो लोग ही लगे हुए हैं। ये देखिए जिम में भी एक दो लोग हैं। आज की तारीख में मतलब लोग सब लोग ही जो है ना स्विमिंग पूल का मजा ले रहे हैं पूरा फुल। ये देखिए गाइस मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी, और ये रूही है। देखिए ये रूही बैठी है, ये भी नहा धो के एकदम रेडी है। बस अब ये सो जाएगी थोड़ी देर में, इसने दूध पी लिया है आराम से। अब इसका सोने का टाइम हो जाएगा, 11 बज चुके हैं, क्योंकि ये नहा के दूध पी के सो जाती है। चलिए सोती है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे, देखती हूँ क्या करती हूँ। ये देखिए गाइस रूही सो के उठ चुकी है, और उठते ही ये क्या कर रही है, फ्रूटी पी रही है माजा। उठते ही देखिए जरा कैसे मुंह में लगा के एकदम लेटी हुई है, दूध नहीं पी। मैंने उससे पूछा बेटा दूध पीना है, कह रही नहीं। और माजा देख के एकदम उसको मुंह में लेके लेट गई, जैसे दोबारा सो जाएगी। देखो जरा खुशी का ठिकाना, देखो इसका खुशी का ठिकाना रूहा का। ये देखिए गाइस रूही कितने ध्यान से देख रही है आलू कच्चा आलू। बेटा कहाँ गए थे, देखिए देखिए कितना मजा आ रहा है इसको देखने में। ये हो चुका है रूही का लंच रेडी। लंच में है खिचड़ी और वाटर। लो वाटर पी लो रूही, देखो वाटर कितने उससे पीती है शौक से, पी लो। अरे वाह। तो गाइस मैं कर रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन, और मैं बना रही हूँ आज ऑल टाइम फेवरेट सबका राजमा एंड जीरा राइस। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार आपके साथ भी रेसिपी शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बना है, कैसे अपने स्टाइल में बताती हूँ मैं आपको राजमा एंड जीरा राइस बनाना। सबसे पहले हमने कढ़ाई लिया और उसमें मैंने तेल डालकर गरम कर लिया है। अब हम उसमें सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा जीरा, क्योंकि तेल हो चुका है गरम। और उसके लिए मैंने पहले से ही अदरक हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट, अदरक का पेस्ट बनाकर रख दिया है। तो ये तेल में जीरा हो चुका है रेडी, तो हम इसमें इसको डाल के हल्का ब्राउन होने तक करेंगे फ्राई। आप लोग देख सकते हैं गाइस ये कितना लाइट ब्राउन होने तक पका लिया है मैंने इसको, अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, टमाटर ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने 4 टमाटर लेके ग्राइंड कर लिए थे, अब इसमें टमाटर डालेंगे। और गैस को बिल्कुल धीमी आंच पर पकाएं मसाला। आप जितनी धीमी आंच पर पकाओगे सब्जी उतनी ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर। इसको हम अब धनिया पाउडर डाल के 2-3 मिनट तक भुनेंगे। तो हम जैसे जैसे, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे जैसे ये धनिया पाउडर डाल के ये अपना भून रहा है, इसलिए हम अपने मसाले रेडी कर लेते हैं राजमे के लिए। जिसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे मतलब में स्वाद अनुसार नमक, जितना भी आपको नमक अपने अच्छा लगता हो, स्वाद अनुसार मिर्ची एंड थोड़ी सी हल्दी एंड धनिया पाउडर एंड गरम मसाला, और साथ ही साथ ये है स्पेशल सब्जी मसाला जिससे आएगा टेस्ट। तो गाइस इतना तो आपको पता ही था, मसाले वगैरह आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप ये मसाले ऐसे डालोगे इसमें तो ये मसाले सब जल जाएंगे और सब्जी का टेस्ट वहीं से हो जाएगा बेकार। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस मसाले को ऐसे पानी डाल के थोड़ा सा इस तरह से मसालों को घोल लेंगे।
फिर उसके बाद इन मसालों को इसमें टमाटर और प्याज के उसमें ऐड कीजिएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने मसाला सब मसाला इसमें डाल के घोल लिया है। अब मैं इसमें कर दूंगी ऐड, ये देखिए। और गैस को बिल्कुल आप धीमे रहने दीजिए। और ये रूही मांग रही है मुझसे वाटर, ये लो बेटा। अब इस तरह से ये मैंने मसाला सब इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही पकाऊंगी, 2-3 मिनट तक। बीच बीच में आप इस मसाले को चलाते रहें थोड़ा थोड़ा सा। इस मसाले को कम से कम 15-20 मिनट तक भूनूंगी मैं, कम बिल्कुल धीमी गैस पे। मैंने बिल्कुल गैस सिम करी हुई है तो इसको मैं 15-20 मिनट भूनूंगी। इसमें मैं क्या करती हूँ, धनिया भिगो देती हूँ इसमें डालने के लिए। तो सबसे पहले ये मैंने धनिया सुखा कर रखी हुई थी, मैंने आपको एक बार दिखाई थी मैं धनिया सुखा रही थी। तो हम इसको क्या करेंगे, धनिया को पानी में भिगो कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। इतने मसाला भून रहा है, इतने हम राजमा देखते हैं। मैंने उबालने के लिए रखा था, ये कैसा भून रहा है, ये उबल चुका है या नहीं देखते हैं। राजमा भी बहुत अच्छे से उबल चुका है, ये देखिए बहुत अच्छा उबल के तैयार हुआ है। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि मैंने राजमा को सुबह ही भिगो दिया था। आपको राजमा जब भी बनाना हो, अगर सुबह बनाना हो तो रात को भिगो दे, और शाम को बनाना हो तो सुबह भिगो दे। तो इससे क्या होगा, कम टाइम में और बहुत ही अच्छा राजमा गल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने 4 सीटी लगाई और 5 मिनट कम पकाया, और ये बहुत अच्छा पक के रेडी हो चुका है। अब इन्हें मसाला भूनते हैं, फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ कि ये सब्जी बनकर कैसे तैयार हुई है, कितनी टेस्टी लग रही है देखने में। गाइज अब हम इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, वो है तेज पत्ता। वैसे आप इसको स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको डालना गई थी भूल, तो मैं इसको अब डाल देती हूँ। इससे टेस्ट उतना ही आएगा वैसे अच्छा बहुत नहीं मेरा। ये देखिए रूई क्या कर रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये रूई की शैतानियां यहाँ पे बरकरार है। ये देखो जरा, ये बैठी हुई है पानी लेके और पानी के साथ खेल रही है। मैं उधर सब्जी बना रही हूँ और ये अपना पानी लेके इधर उधर करी जा रही है, खेले जा रही है। तो गाइस ये मसाला भून के हो चुका है रेडी, और ये मसाला बहुत ही अच्छे से भून गया है। इसको 15-20 मिनट हो गए, ये मुझे इससे पता चला ही अच्छे से भून गया है, क्योंकि अब इसमें से तेल एक साइड और मसाला एक साइड हो गया है। तो तेल एक साइड हट जाए या ऊपर तैरने लगे तो समझो मसाला बहुत अच्छे से भून गया है। ये मसाला बहुत अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे राजमा। डायरेक्ट ऐसे नहीं डाल, सबसे पहले मैं थोड़ा सा राजमा डालूंगी इसको इस तरह से, और मैं इसको इस तरह से इसमें मैश कर दूंगी, जिससे कि जो इसकी जो तरी है वो गाढ़ी हो जाए, ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। इसको मैं इसे बिल्कुल अच्छे से मैश कर दूंगी, जिससे कि ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने भी बिल्कुल मैश कर दिया है। ये देखिए मैं क्या करूंगी, और ये बचा हुआ राजमा भी इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं इसकी मतलब कलर इतना प्यारा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा दिखाते हैं आपको। ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है राजमे का। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी धनिया, और मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि फाइनली ये बनकर कैसा लग रहा है। गाइस ये राजमा को पकते हुए हो चुके हैं 15 मिनट। अब हम क्या करेंगे इसको गार्निश करने के लिए, सबसे पहले जो मैंने ये धनिया भिगो कर रखी है मैं इसको अच्छे से निचोड़ कर इसमें डाल दूंगी। रुको नहीं, ये पीछे से रुई देखो खटखट खटखट कर रही है। उसके बाद ये डालूंगी, उसके बाद मैं क्या करूंगी इसको अच्छे से फिर से मिला दूंगी। और अब मैं इसको इसमें थोड़ा सा डालूंगी ब्लैक पेपर, ये मैंने रखा हुआ है ब्लैक पेपर पीस कर, इसमें डालूंगी थोड़ा ब्लैक पेपर। और अब साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी, देसी घी। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, दोनों में से जो भी चीज अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं। तो मेरे पास बटर भी है और घी भी, लेकिन मैं इसमें घी डालूंगी, बट घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बटर से थोड़ा सा मैंने इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर दिया है। बाकी का घी जब खाएंगे तो मैं कटोरी में ही ऐड कर दूंगी, ये थोड़ा इसको गार्निश करने के लिए था। अब आप फाइनली देख सकते हैं गाइस कितनी प्यारी
इतनी, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है जो मुझे ही पता है। आइएगा कभी आप लोग, मैं आप लोगों को भी जरूर टेस्ट कराऊंगी बनाकर। तो गाइस फाइनली ये बनके हो चुका है रेडी, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये देखने में, बहुत ही ज्यादा यम्मी, ये सीरियसली बहुत ज्यादा यम्मी बना है। क्या पता मैं रेसिपी शेयर कर रही थी वो इसलिए यम्मी बन गया या फिर कैसे यम्मी बन गया, लेकिन मैं हमेशा राजमा बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाती हूँ। ये देखिए और रूही क्या कर रही है, ये अपना अलग ही लगी हुई है। चलिए गाइज अब मैं थोड़ा सा रूही को घुमा के लाती हूँ पार्क में और फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। चलिए गाइज इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, पसंद आए तब भी ना पसंद आए तब भी। आपने देखा आज मैंने आप लोगों को एक रेसिपी बताई है, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मुझको कमेंट करिए, मैं आपको और भी ज्यादा रेसिपी बताऊंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय।